महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान हमारे साथ जुड़े हैं। आज जो बैठक हुई है, अभी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र के विपक्ष में नजर आ रही है। पहले 44 थे, अब वो 45 हो गए हैं। अब इसके आगे क्या रणनीति बन रही है? ये कहा जा रहा है कि विरोधी पक्ष नेता आप लोगों का होगा, कौन होगा उसे लेकर कोई चर्चा हुई है, पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चा, क्या चर्चा आज हुई है? देखिए, ये सब कयास लोग अलग अलग तरह से लगा रहे हैं। आज स्पेशली महाराष्ट्र कांग्रेस विधिमंडल दल की नेताओं की बैठक हुई, सभी विधायक उसमें उपस्थित थे और महाराष्ट्र के जो प्रभारी हैं एच के पाटिल जी वो खुद आए और सभी पूर्व मुख्यमंत्री और सभी नेता इस बैठक में उपस्थित थे। इसमें एक ही एजेंडा था, जो परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति जो निर्माण हुई है पिछले 7-8 दिनों में महाराष्ट्र में, उसके लोगों लेके चर्चा हुई है। और लोगों ने जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ा गया है, जिस तरह के वहाँ के विधायकों को लिया गया है दबाव तंत्र का इस्तेमाल करके, उसकी सबने निंदा की है और आने वाले दिनों में एकजुट रह के और इस राजनीतिक परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी ने संकल्प लिया है। और अधिवेशन अभी शुरू होगा 17 तारीख से, उसके पहले महाविकास आघाड़ी के सभी तीनों दल के प्रमुख नेता आपस में बैठेंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। पार्टी का ये इस गठबंधन का भविष्य क्या है? पहले ये माना जा रहा था कि ये गठबंधन जवाब दे रही है या एक आंसर था बीजेपी को, लेकिन अब बीजेपी में ही इस गठबंधन के आधे से ज्यादा लोग हैं। जरूरत ना पड़ने पर इतने विधायक अगर एनसीपी से जा रहे हैं और शिवसेना से जा रहे हैं, तो ये गठबंधन का अब भविष्य क्या है? देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके, लोकतंत्र पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। जिस तरह से इतनी घटिया राजनीति इस देश में शुरू की गई है, राजनीति का स्तर पूरा गिरा दिया गया है, तो ठीक है, ये उनका काम है, ये वो जाने, मेरा हमारा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। ये हमारी जो विचारधारा है, हम लोग अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और महाराष्ट्र आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी पुनः सत्ता में आएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस की बहुत पुरानी जमीन रही है, परंपरागत महाराष्ट्र कांग्रेस के साथ हमेशा खड़ा रहा है। बीच में 10-15-20 सालों में जो परिस्थितियां बदली हैं, गठबंधन की राजनीति शुरू हुई है, लेकिन आज कांग्रेस की परिस्थिति बहुत अच्छी है। कांग्रेस में लोगों का विश्वास मजबूती के साथ पुनः वापस हुआ है, बहाल हुआ है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, ये मैं कहूंगा फायदा होगा आप लोगों को, बिल्कुल होगा।